जिस फ्री सेवा का ढोल पीट रही केजरीवाल सरकार, उसकी ये कीमत चुका रही है दिल्ली की आवाम। नमस्कार। नेता चुनाव में जीतने के लिए क्या नहीं करते, देश को मुनाफा हो या घाटा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस राजनीति फायदे के लिए कुछ करना है तो करना है। इसी का नमूना दिल्ली में भी देखने को मिल रहा है। कुछ महीने पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने जून में महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा देने की घोषणा की थी, जिसे 29 अक्टूबर से लागू कर दिया गया। कहने को तो ये फ्री सेवा कहा जा रहा है, लेकिन सच में क्या ये फ्री सेवा है? इसका जवाब है नहीं। केजरीवाल सरकार इस फ्री सेवा के लिए प्रत्येक पास के लिए DTS को 10 रुपए देगी, ताकि इससे DTC का घाटा न हो। अब ये 10 रुपए कहाँ से आएंगे? अगर प्रत्येक दिन होने वाली आवाजाही को देखे तो दिल्ली में फिलहाल 5500 से ज्यादा बसें चल रही है, इससे 3800 के करीब DTS और 1600 से ज्यादा क्लस्टर बसें शामिल है। हर रोज DTC बसों में औसतन 31 लाख और क्लस्टर बसों में 12 लाख लोग सफर करते हैं। इनमें से करीब 30% महिला यात्री होती है, यानी लगभग 12,90,000 महिलाएं रोज फ्री बस सेवा का लाभ लेगी। इस हिसाब से लगभग 1,30,00,000 रुपए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को रोजाना इस फ्री सेवा के लिए DTC को देना होगा। अब ये कहां से फ्री सेवा हो गई? आखिर प्रतिदिन 1,30,00,000, महीने में 39 करोड़ और साल में लगभग 474,50,00,000 कहां से आएंगे? निश्चित ही टैक्स पेपर्स का रुपए ही इस फ्री सेवा के लिए भुगतान किए जाएंगे। जबकि एक रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दी गई अनुदान की अनुपूरक मांगों के अनुसार दिल्ली सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा के लिए 140 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। दरअसल फ्री सेवा के नाम पर ढोल पीटने वाले केजरीवाल सरकार इन रुपयों का सही जगह, जैसे दिल्ली में जमा हुए कूड़े के ढेर को हटाने या हवा साफ करने के उपायों को लिए इस्तेमाल करने की बजाय ऐसे फ्री राइड जैसी सेवाओं पर मेहनत से कमा रहे करदाताओं को टैक्स का इस्तेमाल कर रही है। द फ्रंट की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 से ही दिल्ली को 11,000 बसों की दरकरार है, लेकिन 2019 में भी कुल सरकारी बसों की संख्या महज 3800 है। अगर दिल्ली सरकार बसों को बढ़ाने का फैसला लेती तो शायद ये दिल्ली की जनता के लिए ज्यादा अच्छा कदम होता। हैरत की बात यह है कि 2013 से अब तक दिल्ली में एक भी बस नहीं खरीदी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने सितंबर 2018 तक ग्रीन टैक्स के तहत 1800 करोड़ रुपए वसूले हैं। इन पैसों से सरकार को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सुधार करना था, लेकिन 2019 के जून तक दिल्ली में इस फंड का कोई प्रभाव इस्तेमाल नहीं किया नजर नहीं आता। पिछले वित्त वर्ष में DTC को 1000 करोड़ का नुकसान भी हुआ था। कई डिपो प्राइवेट ऑपरेटर्स को दिए गए थे। इस और सुधार ना कर फ्री सेवा देना और कुछ नहीं बल्कि चुनावी लॉलीपॉप है।